जैसा अभी अपन देख पा रहे हैं कि मैंने वॉल्स को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद सबसे पहले गाइस हम चलते हैं बाटी स्टूडियो ऐप में। ऐप में जाने के बाद गाइस हमने जो भी वीडियो को अपलोड किया, मान लीजिए हमने पहली वीडियो को ही अपलोड किया, अब इसकी एडिट पर हमने क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको पेंसिल का आइकन मिलता है, पेंसिल का आइकन पर क्लिक किया। क्लिक करते गए हमने सोचा कि हम अपना थंबनेल चेंज करें, क्योंकि हर कोई अपनी वीडियो पर थंबनेल लगाता है। अगर हम थंबनेल चेंज करना चाहेंगे, कस्टम थंबनेल यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको शो करेगा टू ऐड कस्टम थंबनेल वेरीफाई योर अकाउंट टू यूट्यूब ऑन योर कंप्यूटर। तो गाइस ये हमको देखने को मिलता है और हमारा थंबनेल यहाँ पर नहीं लगता है। गाइस ये प्रॉब्लम क्यों आती है? ये प्रॉब्लम आती है गाइस आपने अपना चैनल जो है वो अभी तक वेरीफाई नहीं किया, इसकी वजह से आपका थंबनेल नहीं लग पा रहा है। जब तक आपने चैनल को वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपका थंबनेल नहीं लगेगा कोई भी वीडियो पर। दूसरे पर गाइस तीन चार चीजें होती है जो हमारे चैनल वेरीफाई करने से नहीं होती हैं। दूसरा गाइस ये है कि 15 मिनट से ज्यादा वीडियो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। तीसरा गाइस 10 वीडियो से ज्यादा आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। जब आप अपने चैनल को अकाउंट को यहाँ पर मोबाइल नंबर से वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद में आप थंबनेल भी लगा पाएंगे, उसके बाद में आप 15 मिनट से ज़्यादा की वीडियो को भी अपलोड कर पाएंगे, उसके बाद में आप 10,000 वीडियो भी अपलोड कर पाएंगे। तो गाइस कैसे वेरीफाई करना वो गाइस बात सीखने वाले कि मोबाइल फोन से कैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कर सकते। तो इसके लिए गाइस क्या करना कि हमको डायरेक्ट चलना है क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद हम कोई भी क्रोम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। जैसे गाइस मैं यहाँ पर क्रोम को ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद गाइस हमको क्रोम को ओपन करना। ओपन करने के बाद हमको यहाँ पर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना जिस पर हमारा चैनल है। इस पर जिस पर चैनल है उसको यहाँ लॉगिन कर लेना। आपको यहाँ पर एरो मिलेगा, थ्री लाइन मिलेंगे, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस यहाँ पर आपको मिलेगा डेस्कटॉप सेट, तो इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस हमारा जो ये मोबाइल है वो डेस्कटॉप सेट में ओपन हो जाएगा, कंप्यूटर की तरह चलने लगेगा। अब गाइस क्या करना कि मैं यहाँ पर आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जूम करना, जूम करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको लोगो दिखेगा, तो सिंपली आपको लोगो पर क्लिक करना है। क्लिक करते गाइस यहाँ पर आपको मिलेगा योर चैनल, तो सिंपली आपको योर चैनल पर क्लिक कर देना। जैसे गाइस आप योर चैनल पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस आपको मिलेगा एक कस्टमाइज चैनल, दूसरा मिलेगा गाइस मैनेज वीडियोज। तो यहाँ पर गाइस आपको करना है कस्टमाइज चैनल पर क्लिक। तो गाइस हम यहाँ पर कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेशन है यानी कि बैटरी स्टूडियो जो ऐप है वो यहाँ पर डेस्कटॉप साइड में ओपन होगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर ओपन होने लगेगा। तो जैसे यहाँ पर ये डेस्कटॉप साइड में ओपन हो जाएगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा, तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक सेटिंग आइकन मिलेगा, नीचे मैं आपको जूम करके दिखा पा रहा हूँ, एक सेटिंग का आइकन आपको दिखेगा, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको मिलेगा चैनल। अब चैनल पर मिल जाएगा आपको, चैनल पर क्लिक करना, जनरल पर मिल जाएगा चैनल पर क्लिक करना। उसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको मिलेगा फीचर एलिजिबिलिटी, तो सिंपली आपको फीचर एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देना। इसके बाद में गाइस पहला तो इनेबल आपको दिख जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर इनेबल है और दूसरा ऑप्शन जो वो इनेबल नहीं है यानी कि ग्रीन नहीं है, तो सिंपली हमको दूसरे वाले पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर हमको मिलेगा ये जो मैंने आपको तीन बताए थे वो गाइस आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आपको मिलेगा वेरीफाई फोन नंबर। तो सिंपली हमको करना है कि वेरीफाई फोन नंबर पर क्लिक करना। क्लिक करते ही यूट्यूब पर जाएगा। यूट्यूब पर जाने के बाद हमने जो क्रोम सिलेक्ट किया, जैसे मैंने क्रोम सिलेक्ट किया था उस क्रोम को हमको फिर से सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने क्रोम को सिलेक्ट किया था इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर ये फिर से डेस्कटॉप साइड में ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद गाइस एक नया विंडो ओपन होगा, तो गाइस ये इस प्रकार से ओपन होने लगेगा। होने के बाद गाइस क्या हुआ कि यहाँ पर गाइस अपना फोन नंबर देना, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया आपका कंट्री आ जाएगा, जिस भी कंट्री से वो कंट्री यहाँ पर आपसे अपने आप से आ जाएगा। इसके बाद में गाइस हमको यहाँ पर फोन नंबर देना है और यहाँ पर गाइस हमको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक तो टेक्स्ट में वेरिफिकेशन मिलेगा और एक कॉल में वेरिफिकेशन। तो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अगर आपका टेक्स्ट में आ जाता है, मैसेज में आता है तो सही है, अगर मैसेज में नहीं आता तो आप कॉल करके भी यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस अपना फोन नंबर दे देना, तो फटाफट से हम फोन नंबर दे देते हैं। तो गाइस मैंने फोन नंबर अपना दे दिया, अब हमारे पास ओटीपी आएगी, 6 डिजिट की ओटीपी आएगी, वो ओटीपी यहाँ पर हमको फिल करना है। तो गाइस फटाफट से हम ओटीपी को देख लेते हैं कि कितना टाइम में ये आ पाती है। तो गाइस जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ओटीपी हमारी सक्सेसफुल यहाँ पर सबमिट हो चुकी है, यहाँ पर आ चुकी है, तो हम यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे गाइस हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारा यहाँ पर फोन नंबर वेरीफाइड यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस मैं आपको फिर से बैटरी स्टूडियो ऐप में चल के दिखाता हूँ कि हमारा जो थंबनेल है वो यहाँ पर लगता है या नहीं लगता है। तो मैं फिर से बैटरी स्टूडियो ऐप में आ चुका हूँ और ऐप में आने के बाद मैं फिर से वीडियो पर क्लिक करता हूँ, जो भी हमारी वीडियो पड़ी हुई उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर गाइस
गाइस हमको पेंसिल का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम कस्टम थंबनेल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम फिर से गैलरी में आ चुके हैं और यहाँ से हम कोई भी थंबनेल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारा मन करता है उस थंबनेल को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस आपने अभी तक इस वीडियो को देखा होगा, जो मैंने आपको स्टेप फॉलो करने के लिए बोले हैं वो अगर आपने फॉलो किए होंगे तो 100% कह सकता हूँ कि आपका तो 100% कह सकता हूँ कि आपका जो चैनल है वो मोबाइल नंबर से वेरीफाई हो चुका है। तो गाइस अगर आज की वीडियो आपके लिए कुछ भी इन्फॉर्मेटिव रही है, हेल्पफुल रही है, वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल जो आपका है वो वेरीफाई हो चुका है, तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।